सर्वप्रथम वे होते हैं जो हमारे जीवन का आधार है, जिनकी छाया में हमारा जीवन चमकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे जन्मदाता के, हमारे माता पिता के। एवं देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे शिक्षकों की, हमारे गुरुजनों की। वे ये मानने को तैयार हैं कि एक शिक्षक का व्यक्तिगत जीवन भी होता है, उसकी भावनाएं होती हैं, उसकी सीमाएं होती हैं। आपका बच्चा वो बच्चा जिसके लिए आपने मंदिरों और अस्पतालों के जाने कितने चक्कर काटे होंगे,
अगर एक ही चीज एक या चार बार सोच ले तो आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। आप जरा सोचिए कि एक शिक्षक किस धैर्य के साथ बताता है कि 3+1 और 1+3 दोनों बराबर होते हैं, भले ही ये एक दूसरे के विपरीत नजर आते हैं, पर ही शिक्षक तत्वों को समझते।